अच्छा ये वाला हेयरकट कौन सा हम हेयरकट कर रहे हैं, मुझसे कर रहे हैं फॉरवर्ड ग्रेजुएशन हेयरकट। ठीक है, फॉरवर्ड ग्रेजुएशन हेयरकट के अंदर में क्या करते हैं हम, इसमें वैसे तो ये वाला जो हेयरकट है ये फ्रंट हेयरकट है कि किसी को अगर फ्रंट फ्रंट पे कट कराना हो तो हम ये वाला हेयरकट कर सकते हैं, बट इसको हम पूरे बालों में भी कर सकते हैं। अगर यही हेयरकट किसी को पूरे बालों में कराना हो तो भी हम कर सकते हैं, वैसे ये डिजाइन स्पेशली है फ्रंट के लिए। उसके बाद में मैं इसको कैसे कॉम करूंगा, मैं इसको कुछ इस तरह से कॉम करूंगा, सीधा सामने की तरफ में। जब मैं इसको सामने की तरफ में ऐसे कॉम करूंगा उसके बाद मैं अपनी फिंगर पोजीशन बनाऊंगा, उसको कट करूंगा। जैसे ही मैं इसको सामने की तरफ में कॉम कर रहा हूं तो मैं देखूंगा यहां से एक टी की शेप क्रिएट हो रही है, जैसे ये ऐसे गया और एक ये लाइन। तो इस कॉम करने के वे को हम बोलते हैं टी टू द पार्ट। अच्छे से रिटेंगल करने के बाद अभी मैंने क्या किया, मैंने बैक के बाल अलग कर दिए, इनको बैक साइड पे अच्छे से कॉम करूंगा। इनको भी मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ जैसा हमने डायग्राम के अंदर में देखा है, ये तो आप साथ साथ निकालते जाओ साथ साथ करते जाओ ऐसा भी कर सकते हैं। अभी मैंने क्या किया, यहाँ से ऊपर टॉप से मैं एक सेक्शन निकालूंगा। सबसे पहले कौन सा सेक्शन निकालूंगा, सेक्शन को लेने के बाद मेरे को डिसाइड करना है कितना भी लेंथ, अब वो चिन लेवल हो सकता है, उससे नीचे हो सकता है और उससे भी नीचे हो सकता है, इट डिपेंड्स। जितना आप फ्रंट छोटा करते जाओगे बैक से उतना छोटा होता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से लिया लेंथ को और यहाँ से लेने के बाद ऊपर इसको मैंने चिन लेवल तक डिसाइड कर लिया, उसके बाद वो बैक का भी लेंथ उतना छोटा होता रहेगा। जैसे अब इसको लेंथ बहुत ज़्यादा छोटी नहीं करानी थी, क्योंकि मेरी फर्स्ट लेयर है, मैं ज़्यादा छोटी नहीं कट करूँगा, थोड़ा सा मैंने नोज के पास। ठीक है, इसको मैंने एकदम सीधा लिया, सीधा कट करते हुए गए, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे सिंपल। हाँ, होल्ड करने के बाद मेरे को गाइडलाइन को देखना है, ये मेरी गाइडलाइन आ रही है यहाँ पे, सबसे छोटा बाल ले गए इसको और इसके अकॉर्डिंग मैं इसको कट करूँगा विजुअल फिंगर रख के। विजुअल का मतलब क्या होता है अभी बताया। आ रही है गाइडलाइन, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पूरे बाल में इसको मैं नीचे की तरफ में कट करते हुए जाऊंगा कुछ इस तरह से। डायगोनली इसी को विजुअल बोलते हैं, जब हम शॉर्ट टू लॉन्ग या लॉन्ग टू शॉर्ट। यहाँ पे पीछे जाते हैं लेंथ कम होती है, पीछे जाते जाते लेंथ कैसे कम होती है, अगेन यहाँ से भी सेक्शन होल्ड करूंगा। पूरे बालों को एज अ गाइडलाइन लेने की नीड नहीं है, थोड़ा सा एक बाल भी लूंगा तब भी चलेगा। इसको होल्ड किया, अच्छे से कॉम करेंगे टाइटली। अब मैं इसको फ्रंट पे आके भी कट कर सकता हूँ, जैसे मैंने इसको होल्ड किया सीधा होल्ड, लिखिए गाइडलाइन। यस सर। इसको होल्ड करने के बाद लेके आऊंगा, जैसे ही मैं इसको फ्रंट पे लेके आऊंगा यहाँ से मुझे गाइडलाइन दिखेगी, देखिए गाइडलाइन ये। यस सर। इसके अकॉर्डिंग कट करते हैं।
अगेन ठीक है, बहुत डीपली डायगोनल फॉरवर्ड नहीं निकालने की नीड है हमको। अच्छा, तो लिखा है डी को दो कैसे लिख देते हो आप? तो लगभग हो ही है, पीछे का तो इम्पोर्टेंट नहीं, आगे का इम्पोर्टेंट है। रीचेक करते हुए इसको लेके आएंगे। इसके लास्ट वाले बालों के साथ में मर्ज करूंगा विजुअली। गाइडलाइन ये आ गई इधर, अगेन दोबारा से इसको रीचेक करेंगे। तो सब बाल कहाँ आके हम कट कर रहे हैं, लेट भी बोलती है वो ना। हेयर लाइन को जरूर क्लीन करना है, इससे जितने छोटे छोटे बाल होते हैं, बिजी हेयर होते हैं, वो सब कटल हो जाते हैं। इसमें जब हम फॉरवर्ड के लिए डायर कर रहे हैं, इस साइड लगा दो, जैसे हम यहाँ पे इसको होल्ड कर रहे हैं, इसको ऐसे डायगनली रखेंगे अंदर तक, नहीं तो आगे के बाल छोटे वो निकलेंगे। जैसे हम यहाँ पे इसको होल्ड कर रहे हैं, इसको ऐसे डायगनली रखेंगे अंदर तक, नहीं तो आगे के बाल छोटे वो निकलेंगे। इसको एंड के पास लाके घुमाते रहना है, देन इसको हम आगे की तरफ लाके ड्रॉप कर। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऐसे करके एक पैटर्न क्रिएट हो गया। सेम लास्ट टाइम जो आप लोगों ने देखा था वो आउट था, डेमो दिया था लास्ट वाला एक कट टाइम वर्जन का, तो देखा था ना। क्यूटिकल लेयर जो होती है वो बंद होती है, क्यूटिकल लेयर बंद होने से तभी हम इसको ऐसे चलाते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, इससे तेल बंद हो जाते हैं।
फिर अदर डायरेक्शन में लेके जाएगा तो इसमें वॉल्यूम ज़्यादा आएगा 90 पे। बाल जलने वाला तो कुछ नहीं रहता, बाल किसी भी मशीन से नहीं जलते जब तक आप उसको ठीक से अगर यूज़ नहीं कर रहे हो, तब तो कोई भी मशीन बाल जला सकती है। आयनिंग को अगर आप बहुत देर तक एक जगह पे रोक के रख दोगे तो वहाँ बाल जलने का रिस्क रहता है, नहीं तो अदरवाइज आयनिंग टॉन्ग किसी भी मशीन से। इसके बाद इसको मर्ज करके थोड़ा सा चला रहे होगे और थोड़ा सा वेट को रिमूव कर देंगे। लेंथ इसमें इतनी स्टिल रहती है, हम क्या कर रहे हैं सीजर को बीच में से चला के निकाल रहे हैं, ये छोटे छोटे बाल दिख रहे हैं, इससे क्या होगा बीच बीच में से कुछ बाल निकल जाते हैं और जो पैटर्न था इसका वो थोड़ा और शार्प हो जाएगा।